और नए दिन की शुरुआत। मैं हूँ आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। तो हम लोग आज निकल गए हैं अपना ट्रैक के लिए, जस्ट अभी निकल ही रहे हैं, उसी लोकेशन में हम लोग हैं। आज ट्रैक स्टार्ट हो गया, अभी बज रहा है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम देखते हैं भाई, 7:15। 7:15 में हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। कितना है भैया यहाँ से ट्रैक अभी? 14 किलोमीटर। तो हमने 28 किलोमीटर अप डाउन करना है। 28 किलोमीटर अप डाउन करना है हमने आज। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हर की दुन हर महादेव, हर देव की नगरी में। मेरे को जुकाम से बोला भी नहीं जा रहा है। कौन से भगवान? युधिष्ठर स्वर्ग के लिए गए थे भैया, वहीं से हम भी उसी जगह जा रहे हैं स्वर्ग पाने के लिए। निकलते हैं हम लोग। और लोकेशन, सुबह का धूप, और देखो भैया लोग कितनी मेहनत करते हैं यहाँ। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, तो हम लोग तो इतनी मेहनत करते नहीं है, बट यहाँ लोग सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के मेहनत चालू हो जाती है। तो चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं कहीं रास्ते में आप लोगों से। तो हम ये लोकेशन में पहुँचे हैं अभी, वहाँ से पहला स्टॉपेज हमारा यहाँ पे है, ये लोकेशन। अपना तो पसीना पसीना हो गया है, स्वेटिंग इतनी हो गई है, पूछो मत। सबका बुरा हाल है, मज़ा भी आ रहा है। अरे अभी तो बहुत आगे जाना है हमने, बहुत ज़्यादा आगे, मज़ा आ रहा है मगर। चलो घुटने का दर्द ना मेरा वापस आ गया दोबारा से, बट कोई नहीं, करेंगे हिम्मत नहीं हारेंगे। बहुत टफ रास्ता है यार, बहुत ही ज़्यादा। कौन सा वाला? वो ऊपर वाला? हाँ, अच्छा यहाँ से स्वर्ग पहुँचे थे युधिष्ठिर भगवान भाई साहब। ये जो ये वो जगह है जहाँ हम पहुँचे हैं, देखो अभी ये है टेंट्स और वो सामने माउंटेन्स, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भैया भाग गए, मैंने कहा ये तो छूते यहीं लग ही जाएंगे, उन्हें लगाई दौड़, उन्हें तो भी आएंगे। मिलते हैं भाई लोगों, बहुत फटी फटी है, वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। गाइज मेरे पीछे देखो ग्लेशियर क्या चमक रहा है, और फट चुकी है भाई, क्या बोलूँ, रोना आ रहा है भाई, बहुत बुरा हाल है। मेरी तो लग गई है लंका भाई साहब, हम और ऐसी वाट लगी है ना भाई, पूछो मत। सामने ग्लेशियर है और ये हमारा ट्रैक है। देखो गाइज हम पी रहे हैं यहाँ का हिमालयंस का, जो हिमालय में पाई जाती है ना छोटी छोटी फूल होते हैं, उनका ये जूस है। और हम इस टाइम पे हैं, लोकेशन देखिए आप, बिल्कुल हिमालय के पास रेंज। यम इस जगह का क्या नाम है ये? अभी हम कहाँ पहुँचे? किस चीज़ का? हर कितने ऑलमोस्ट पहुँचेंगे? 70 रुपये। हाँ जी, 70 रुपये। व्हाट इज़ इट? इसका जो फ्रूट नहीं होता। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया और मेरे साथ वाले भी पहुँच गए, एक भाई पीछे है एक भाई आगे है। और व्यू चेक करो यार, बस और कुछ नहीं बोलना। वो ऊपर दिख रहा है ना आपको, OTRC है, उधर पे जाना है हमने, बस अब इतना ही बचा है। जवाब दे गई हिम्मत। जो लोग 5 दिन में ये ट्रैक करते हैं, हमने 1 दिन में कर मारा, 2 दिन में। वाट लग गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वाट। चलिए अब सीधे आपको आगे मिलते हैं, फिर बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ, सीरियसली ये हर की धुन वाली। कौन सी वाली हर की धुन की चोटी है ये? हर की धुन की चोटी है और हम लोग पहुंच गए, वो स्वर्ग की चोटी है, ऊपर वाली जो बादलों से ढकी हुई है ना। कौन से भगवान गए थे यहाँ से? युधिष्ठिर भगवान गए थे। और बाबा का
फाइनली पहुंच गए सिर्फ इन भैया के बदौलत। थैंक्स टू भैया मोटिवेट करने के लिए आपको, और लक्की ने भी बहुत मोटिवेट किया मुझे। और हम पहुंच गए यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सुंदर जगह है भाई, सबको आ रहा विजिट करना चाहिए। थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बट एक बार तो लाइफ में विजिट करना ज़रूरी है भाई। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना और दौड़ा भरनी है यार भाई। आप बताओ ना, देखो भैया ये तो आप बताओगे, लोग सोचेंगे हम फेंक रहे हैं। कितने दिन का ट्रैक है? बहुत ही बेस्ट ट्रैकर, और बेस्ट ट्रैकर का सर्टिफिकेट दूंगा मैं तुम लोगों को। थैंक यू भैया। 5 दिन का ट्रैक 2 ही दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू यार, बस आपकी बदौलत है, आपने करवा दिया। देखिए गाइस, मैं बोलता ना तो ऐसा लगता कि बस फेक कर रहा हूँ, बट भैया ने खुद बोला तो वही चीज मैंने आप लोगों को दिखाई। वहाँ जाने का है, अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना बस सच। मगर इन लोगों ने तो करा, मेरी तो फट गई थी लिटरली, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। मगर भैया ने बहुत मोटिवेट किया, सुमित ने भी बहुत मोटिवेट किया, तभी मैं कर पाया। मेरा फर्स्ट टाइम है कि इस साइड को मैं इतना लगातार इतना चलाऊं, और अच्छा लगा मुझे। बाकी मैंने पिंडारी और वो तो किया ही है अपना, अब लंच करने का टाइम हो गया हमारा, रिलैक्स करने है, क्योंकि हमें वापस हौसला जाना है। तब तक आप थोड़े सिनेमेटिक्स देखिए इस जगह के। तो मैं आप लोगों को टाइम बताता हूँ, सुबह हम निकले थे 7:15 पे और अभी हो रहा है 5:15 या 5:15 के आसपास हो रहा है, मैंने अभी देखा था टाइम कुछ। तो अभी 5 बज रहे हैं, 5:00 कुछ हो रहे हैं, मतलब 10-12 मिनट के आसपास। तो हम सुबह 7:15 पे निकले हैं, तो शाम को 7:15 पे पहुँच गए हैं। मेरी सांसें बहुत फूल रही है ना, बहुत ज़्यादा फूल रही है, सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 5 और 5 10 घंटों में, 10.5 घंटे में हमने ट्रैक कंप्लीट कर दिया। जाना रुकना आना सब कंप्लीट कर दिया हमने 10 घंटों के अंदर। अच्छा खास अच्छा टाइमिंग था, मतलब तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से मतलब तो काफ़ी सही टाइमिंग पे कर दिया मैंने। मतलब इतना फर्स्ट टाइम मैं इतना कोई हाई इंटेंस वाला ट्रैक किया मैंने, और एक दिन में 28 किलोमीटर कर दिया। चले खुद को सरप्राइज ही दे रहा हूँ कि कर लिया एक दिन में 28 किलोमीटर। एक दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सुबह 7:15 पर निकले थे, अभी 5:12-13 पर हम वापसी आ गए अपने इस गाँव के विलेज के अंदर, और यहीं से किया था। और टाइम मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, अभी बता दिखाता हूँ कहाँ से, ये पुल में से बताया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो इस पुल में मैंने टाइम देख के बताया था आपको। हम जब निकल रहे थे और हम वापस पहुंच चुके हैं, वो जहाँ पर रुके हैं ना वहाँ पर पड़ने लगी है बारिश, देखो ओले गिर रहे हैं ओले ओले और बारिश, देखो लो कैसे ओले और बारिश, देखो आवाज़ें आ रही होंगी आपके, देखो ओले गिर रहे हैं, देखो अच्छी खेल रही है, आवाज़ आ रही होगी, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ ओलों की, आप लोगों को ओलों की आवाज़ आ रही होगी। देखो लक्की भी रेस्ट मोड में आ गया है, हम लोग आए थे ना तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने 28 किलोमीटर रन किया है, और थोड़ा आराम करते हैं, चाय बनेगी अभी, चाय पियेंगे, और घुटनों की तो हालत ख़राब है, बस ऐसे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं
फोन्स में देखते हैं, वीडियो देखते जो बनाई है आज, तो थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पे ऐसी अपने अपने बिस्तरों में। आप लोगों ने यहाँ तक इस ब्लॉग को देखा है ना, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो यार, वहाँ पे भी मैं रील्स फ़ोटोज़ डालूँगा यहाँ की, और सब ये सीरीज़ एपिसोड्स आएंगे, सारे छोटे छोटे एपिसोड्स आएंगे, कोई बड़ी वीडियो नहीं आएगी। क्योंकि मुझे कई मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबरों ने बताया कि निहाल भाई छोटे छोटे उसमें डाला करो तो मज़ा आता है देखने में, जितने लंबे लंबे वीडियोस। तो मैं सोचा है कि इस बार ये सारे एपिसोड्स में आएंगे, सात आठ मिनट के सारे एपिसोड्स आएंगे, और ये कंटिन्यूसली मैं सोच रहा हूँ कि आए, एक दिन छोड़ छोड़ के आते रहेंगे। तो बस यही कहना था, मिलते हैं इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, टाटा बाय 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 बाय, टाटा लकी, टाटा लकी, देखो बिस्तर में अब करना मेरे भाई, अब कर टाटा।